और जिला राजौरी के अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत के सदर हजरत को भी अपनी ड्यूटी जो है ना हर टाइम पर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहना चाहिए। बात करते हैं नहीं शुरुआत करते हैं तो मेंबर लोग कुछ फरमा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि हजरत की गुफ्तगू ये बता रही थी कि आज से हम एक नई सुबह का आगाज करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो मैं आप सभी मुसलमान भाइयों को और पुंछ की तमाम आवाम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे साईं बाबा के मकाम पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस तीन रोजा उर्स का जो माहौल बना है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं जहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और जहाँ हमारे जो मेहमान लोग आ रहे हैं उनका जहाँ इंतज़ाम भी बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छे से जो वो लोग जहाँ जो अपने मुरादों की मुरादें जो हैं वो पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसे कोरोना जैसी बीमारी से बाबा से हमें छुटकारा पाया और तीन साल के बाद आज यहाँ साईं बाबा साहब का 38वां उस मुबारक जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस उस मुबारक पे मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ और साथ में हमारी जितनी भी बाकी कम्यूनिटी के भी जितने लोग हैं सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ ज़ियारत पर आए तो सबका सहयोग साथ में रहा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने
और यहाँ के ट्रस्ट के हमारे जितने भी चेयरमैन हैं, हमारे मेंबर हैं, सबने मिलजुल कर बहुत अच्छे से ये कुछ जो है मना रहे हैं और लोगों का बहुत ही रश है। इस सबके लिए मैं पूरी तमाम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं और हमारी ट्रस्ट के मेंबर हैं, जितने भी हमारे डीसी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। पहली बार मैं यहाँ 2013 में आया और उन दिनों और आज तक तामीर और तरक्की में नुमाया इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है। और इस साल मैंने फिर यहाँ पर, हमारे चंद रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर उर्स हो रहा है और शुक्र है अल्लाह की क्या कि आज और उसके तीसरे रोज़ मैं यहाँ पर अपने आप को आपके दरमियान पाता हूँ। ये हज़रत मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब का एजाज़ है कि मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर उर्स की तकरीबात में शिरकत की। और यहाँ पर जितने भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ, हालांकि काम बहुत करना है और लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, रफ्तार रफ्तार वो भी हो जाएगा, लेकिन पिछले दफ़ा से आज तक बहुत ही काम हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। और यहाँ हर साल हम इस दरगाह हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी देते हैं। बचपन से लेकर आज तक 3 रोज़ा उर्स मुबारक जो यहाँ मनाया जाता है, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और हर साल इस उर्स पर हम हाज़िरी देते हैं। यहाँ आकर लोग बड़े दूर दूर दराज इलाके से आते हैं, अकीदत के फूल निछावर करते हैं और दुआ करते हैं और अपने मन की मुरादें पूरे करते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं, दरबार पर हाज़िरी दी है, मेरे साथ कश्मीर के मेहमान भी हैं, तो वो यहाँ आकर बड़े खुश हुए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लगा। यहाँ इंतज़ाम देकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था और अरकान कमेटी की तरफ से भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। और इस मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर यहाँ बीमार भी आते हैं, परेशान हाल भी आते हैं, बे औलाद भी आते हैं, बेरोज़गार भी आते हैं, जो जो परेशान लोग हैं हाज़िरी देते हैं और अपनी परेशानी इंशाल्लाह उनकी परेशानी पूरा हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आज हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श अलैह रहमा जो ज़िला पुंछ के एक मशहूर सूफी बुज़ुर्ग हुए हैं, उनका आज 38वां उर्स मुबारक है। और हर साल की तरह आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। कोरोना की वबा की वजह से जो बीच में उर्स शरीफ मुनक़द नहीं हुआ, लेकिन आज शुक्र है खुदा का कि आज यहाँ पे आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरी रियासत से, हर मज़हब के लोग किसी ज़ात पात फिरके मस्तक से बालातर होके जोग दर जोग यहाँ लोग हाज़िर हुए हैं और इस वली कामल के पास आके अपनी अपनी दुआएं करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि इस साल बाकी सवालों के से भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं। और पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी, आ गया बजाज फाइनेंस आपके शहर पुंछ में। इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आइटम आप खरीद सकते हैं 0% इंटरेस्ट के साथ, आसान किस्तों में। लीजिए फाइनेंस अवेलेबल एट 0% ऑन एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। रब्ता कीजिए गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मैन बाज़ार पुंछ से। मोबाइल नंबर 9419200401 या 9797347333।